अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स तक वी ऑल हैव फिनिश्ड, सो क्वेश्चन नंबर सेवन वी ऑल आर स्टार्टिंग. अभी तक जो कर रखा है दर इज समथिंग लाइक दिस, हम लोगों ने जो किया हुआ है. ओके, तुम्हारा रेगुलर कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल क्या हो जाता है? प्राइम कॉस्ट. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद लिखने का मन है तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद यहाँ पर क्या एडजस्ट हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी. यहाँ पर उसके बाद लेस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी. वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन तो ये तुम लोगों को नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. उसके बाद अगर कॉस्टिंग इन इंडिया है तो यहाँ पर और क्या ऐड हो जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वो चीज़ तुम्हारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज सी ओ पी, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ऑफिस कॉस्ट. उसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट वाला स्टॉक एडजस्ट कर देते हैं. लास्ट वाला मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन दिस विल गिव यू सी ओ जी एस. सी ओ जी एस एक बार आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडमिन एंड एस एन डी. सॉरी, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा? एस एन डी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट. यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल्स. ओके, इस कॉस्टशीट का हम लोगों ने तीन पार्ट्स करके रखा हुआ है. यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स योर फर्स्ट पार्ट. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दैट्स योर सेकंड पार्ट. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड पार्ट. ओके, तीन पार्ट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑल दो थिंग्स दैट आर रिटन आर इनकर्ड फॉर क्वान्टिटी, बोलो मेरे को, प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू आई पी. डब्ल्यू आई पी स्टॉक इधर एडजस्ट हो गया. सो दीज आर एक्सपेंसिज दैट आर ओनली इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, उसके बाद जो स्टॉक नहीं बिका वो इधर एडजस्ट हो गया. तो यहाँ पर जो भी चीज़ बिका दैट इज ओनली फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, सो देयरफॉर दीज आर एज सच योर थ्री थिंग्स ओवर हियर. ठीक है, फिर हम लोगों ने ये वाला चीज़ किया था और एक और चीज़ किया था. सर, रॉ मटेरियल स्टॉक इधर किधर आता है? क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. जो कैसे आता है बॉस? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी इधर है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट होता है? परचेज कॉस्ट. डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट के अंदर कितने कॉस्ट आएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक इज गोइंग टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट के अंदर पांच कॉस्ट आएंगे. कौन से पांच कॉस्ट? डीएम, डीएल, डीई, एफओएच एंड एडमिन एक्सपेंसेस. ठीक है, तो जरा याद करो जब हम लोग ऐसा कॉस्ट बनाते थे हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस के अंदर, फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस के अंदर क्या किया था? सीओपी पर यूनिट निकाल लेते थे एंड बाय डिफॉल्ट वी विल फॉलो फीफो मेथड. तो यही वाला जो चीज है वो इधर आ जाएगा एंड देन वी ट्राई टू प्रोसीड विद दैट. ठीक है, अच्छा, अगर कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया होगा या फाइनेंशियल अकाउंट्स होगा, इस कॉस्टशीट के अंदर क्या चेंज होता है? एडमिन विल स्टार्ट टू गेट मर्ज विद एसएनडी. तो ये वाला जो चीज़ है इधर नहीं आता, इधर आ जाता है. ऑब्वियसली उसकी वजह से फिनिश गुड्स का जो तुम्हारा वैल्यूएशन है वो वाला चीज़ तुम्हारा बदल जाएगा. ठीक है, अपना इतना काम अभी तक हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवे विद अदर क्वेश्चन. सो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइए प्लीज. A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum capacity. Optimum matlab 100%. The estimated cost of production is as under. You have direct material 3. You have direct labor, that's 2. इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस. जब अपना फर्स्ट लेक्चर था मैंने तुमको ऑल कॉस्ट का दो पार्ट्स बताया था. ऑल कॉस्ट आर डिवाइडेड अप ईदर इनटू डायरेक्ट कॉस्ट और इनटू इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स होनी. ठीक है, सो दीज आर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिक्स्ड है 1,50,000 पर एनम. वेरिएबल है रुपीज 5 पर यूनिट. सेमी वेरिएबल है 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट थ्योरम. ये तुम लोग बाद में 10 बार वो पढ़ोगे और मेरे को ये वाला आंसर निकाल के दोगे. आगे पढ़ो.
The factory only produces against orders and not for own stock. इस चीज़ का मतलब हम लोग production तभी करता है जब ही क्या आता है demand. Okay, demand आएगा तो production करेंगे. ऐसे cases के ना obviously stock तो कभी हो ही नहीं सकता. ठीक है, आगे. The production program of the factory is as indicated below, and the management desires a profit of 1 lakh rupees for the year. Okay, first 3 months it'll be working at what capacity? 50%. Last 9 months it'll be working at what capacity? 80% required. Work out the average selling price at which each unit should be quoted. तो आपको basically क्या करना है, उन लोगों ने required part के ना क्या बोला है, selling price निकाल के दे दो. ठीक है, तो अपना cost sheet बनाएंगे, सारे के सारे cost add करेंगे. सम के ना profit margin दिया हुआ है, तो cost plus profit अपने को cost sheet के ना वैसे भी sales वगैरह तो मिल ही जाता है. और इस question के ना stock वगैरह का data नहीं आएगा. ओके, क्योंकि सामने अपने को वैसा बोल दिया था. ओके, let us start soon. जब भी आप कॉस्ट शीट का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज कि सर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होगा और कितना यूनिट्स बिकेगा. यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही होएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन तभी करने वाले हैं जब ही क्या आएगा, डिमांड आएगा. ओके, तुमको जो पढ़ने का है पढ़ो, कैलसी लो, और मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड निकाल के दो. वैसे भी दोनों सेम ही होने वाला है. कैलसी लो, अक्कल यूज करो, आंसर लेकर आओ. पूरे साल के अंदर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे मेरे को वो बताना. बेटा 60,000 अगर मैक्स कैपेसिटी होगा तो 78 कैसे बनेगा मैडम? चलो स्टार्ट करते हैं. अभी तक तुम लोग को आ जाना चाहिए था. लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 7. राइट ऑन वर्किंग. क्वांटिटी टू बी रिड्यूस्ड. अच्छा, उनका मैक्स कैपेसिटी कितना है पूरे साल का बोलो? 60,000. ओके, तो लेकिन अलग अलग काम करना पड़ेगा. फर्स्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 9 मंथ्स का. अच्छा, फर्स्ट 3 मंथ्स 60,000 पूरे साल का कैपेसिटी है, तो 3 मंथ्स का कैपेसिटी कितना आ जाएगा इंटू 3/12? सुनो, लेकिन अभी तक जो मैंने किया है ऑब्वियसली दैट विल गिव मी कैपेसिटी एट 100%. लेकिन हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स 100% के ऊपर काम नहीं करने वाले. वी आर गोना बी वर्किंग एट व्हाट लेवल यार? 50%. फर्स्ट आंसर. वैसे लास्ट 9 मंथ्स के लिए करो, एडअप करो.
कितना आ जाता है 36,000 एड अप करके कितना आ जाएगा 43,500 चलो सर ये वाला तुम्हारा काम हो गया अभी कॉस्ट शीट से स्टार्ट कर सकते हैं नाउ ऑब्वियसली ये वाला जो कॉस्ट शीट है शायद तुम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही बना रहे हो यूजुअली सेलिंग प्राइस विल बी फिक्स्ड बिफोर वी स्टार्ट अ सर्टन ईयर तुम लोग जब एडमिशन लेते हैं हम लोग तुमको फीस वो बताते हैं ना यार तो ऑब्वियसली फॉर फीस आई यूजुअली विल स्टार्ट टू थिंक लाइक दिस मेरा कॉस्ट इतना होगा मेरे को प्रॉफिट इतना चाहिए लेकिन कॉस्ट का खर्चा तो जब ये बैच स्टार्ट होगा तभी होगा तो इफ़ आई हैव टू स्टिल ट्राई टू टेल यू द फीस बिफोर योर बैच स्टार्ट्स आई विल एस्टिमेट द थिंग्स नो ओके तो ऑब्वियसली अभी जो हम लोग वो करने वाले हैं वो एस्टिमेटेड काम ही और सम के ना एस्टिमेट्स जो है वो दिया हुआ है डीएम कितना लगेगा डीएल कितना लगेगा ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर गिवन ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे ज़रा लिखो आप लोग इसको कॉस्ट शीट बोल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बोल सकते हो जो भी बोलो दैट्स ऑल फाइन लिखो ज़रा प्लीज कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस स्लैश आगे लिख सकते हो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर तो उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर सर एक टोटल का कॉलम बना रहे थे और एक इस चीज का कॉलम पर यूनिट का बनाओ पर्टिकुलर्स टोटल पर यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा अच्छा टेक्स्ट बुक जरा देखो मेरे को बोलो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा कि डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपीस का लग जाएगा 3 रुपीस तो यहां पे 3 लिखो एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय इस बार मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इसलिए अलग से नहीं लिखा तुम लोगों ने ऊपर अभी अभी वर्किंग नोट तो वो बनाई है वो दोनों चीज़ें सेम ही है यार तो 43,500 इंटू 3 करो यहाँ पे आंसर डाल दो आगे डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज मल्टीप्लाई करो आंसर डाल दो एड अप कर लेना तो आप लोगों को क्या मिल जाता है प्राइम कॉस्ट उसके बाद एड यहां पर और क्या है बॉस फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल अच्छा सुन मेरी बात क्वेश्चन क्या ना मेरे को जरा बोलो एक साल का फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीस का होगा 1,50,000 इनर कॉलम में लिख देना दैट्स फाइन फिक्स्ड कॉस्ट इज समवट लाइक से योर रेंटल कॉस्ट ओके कि जितना मर्जी यूनिट्स बने क्या फर्क पड़ता है सर ये वाला कॉस्ट तो उतना ही रहेगा तो वो 1.5 लाख रुपए था साल का आगे वेरिएबल
जो वेरिएबल है दैट इज कितना रुपीज पर यूनिट 5, तो कितना यूनिट्स बनाकर बेचने वाले हो 43,500, तो कैलसी लो 43,500 इंटू 5 217,500. अच्छा, सेमी वेरिएबल तुमको पढ़ना है 10 बार, वो थोड़ी देर में पढ़ना, पहले बस एक बार फॉर्मेट कंप्लीट करके तुमको दे रहा हूँ। जब वो वाला फिगर आ जाएगा उसके बाद वो तीनों का टोटल यू विल पुट ओवर हियर, वी विल डिवाइड बाय 43,500, तो अपने को पर यूनिट वाला जो फिगर है मिल जाएगा, ठीक है। दिस विल स्टार्ट टू गिव यू, आप लोग इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो तो भी चलेगा, और कोई कॉस्ट वैसे भी नहीं है, लिखो। उसके बाद एंड प्रॉफिट, तो उसके बाद गेट सेल्स, सुनो। अनलाइक योर प्रीवियस क्वेश्चंस जहां पर तुम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया होता था और हम लोग प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, देखो इस क्वेश्चन के ना प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने रुपीस का अपने को प्रॉफिट कितना मांगता है 1 लाख, तो यहां पे लिख सकते हो 1 लाख डिवाइड बाय 43,500 रुपीस, तो 2 डेसिमल तक लिखेगा तो चल जाएगा 2.29। सुन, अभी इंग्लिश तुमको भी आता है, इंग्लिश मेरे को भी आता है, पासिंग सीए ओनली रिक्वायर्स वन थिंग, रीडिंग केयरफुली, यू विल रीड केयरफुली, यू विल पास योर एग्जाम्स। उधर जो बोल्ड में लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल, आराम से पढ़ो, क्रैक करो, मेरे को सब लोग आंसर बताएंगे, जो भी तुम्हारा आंसर आया दैट इज ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी राइट बट आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू आंसर, बस आराम आराम से पढ़ो, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितना होना चाहिए और मेरे को उसका आंसर ला के दो। जो आंसर आए मेरे को वो बोल सकते हो, यू विल नॉट नो इट इज राइट और रॉन्ग, नो सो जस्ट से दैट्स ओके, बोलो 1 लाख 20, जो भी आंसर्स आए मेरे को वो बोलते रहना, मेरे को एटलीस्ट 10 आंसर तो दो, 40,000। देखो सब लोगों से आंसर चाहिए, वेदर इट इज योर फर्स्ट लेक्चर और नॉट योर फर्स्ट लेक्चर, तुमको इंग्लिश पढ़ने को वो बचपन से आता है, उसका तुम्हारा आज फर्स्ट लेक्चर नहीं है। 70,000, 65,000, 80,000, अपने आप से बोला करो, मेरे को नहीं पूछना
वो बार बार तो अपने से बोला करो। एक मिनट और है, सब लोग अपना अपना आंसर मेरे को देंगे। एंड डोंट बी अफ्रेड इन द क्लास, नीदर आई विल टेल यू समथिंग इन केस यू गेट इट रॉन्ग, एंड इवन इफ आई से यू टेक इट इन अ गुड स्पिरिट। आई लुक लाइक अ एनिमल, आई एम नॉट, सो डोंट बी अफ्रेड, दैट इज ओके। चलो कार्टून अभी इधर देखो, सुनो। ऑब्वियसली ये आंसर और ये आंसर तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। सामने बोला है कि 50,000 रुपए का खर्चा तो होगा ही होगा, वो तो सामने मेरे ख्याल से फर्स्ट लाइन पर वो बोल ही दिया है। अभी पढ़ते हैं और देख लेते हैं मैंने ऐसा क्या पढ़ा जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। ढाई लाइन का सवाल था, पढ़ो उधर। 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, तो अगर आप 50% तक ऑपरेट करते हो तो आपका 50,000 रुपये का खर्चा होएगा। मेरे को बोलो आर यू एटलीस्ट ऑपरेटिंग एट 50% थ्रू द ईयर, यस और नो? यस, तो 50,000 रुपये का खर्चा तो पक्का हो गया ना फिर। ओके, तो इतना तो होगा ही होगा। प्लस एड एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट दियर ऑफ। ठीक है, तो लोग क्या बोलता है, जब भी आप अपना कैपेसिटी 25% से बढ़ाना चाहते हो या फिर उसके कोई भी पार्ट से, तो ईदर यू इंक्रीज योर कैपेसिटी बाई 25% और एनी पार्ट ऑफ 25%, आपको कितना एक्स्ट्रा फटका लगेगा? 10,000। बस उतना ही लिखा हुआ है, बस उसी को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो मेरे को बोलो क्या तुम लोग 50 के ऊपर गए? कहाँ तक गए? 80।
लेकिन 80 तक तुम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते, तुमको यहाँ पे ना 25% के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो पहले आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाओगे, 50 to 75। जब भी आपको अपना कैपेसिटी 25% या उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है तो 25% के लिए 10,000 रुपये का खर्चा है, या 25% का कोई भी पार्ट। तो मैं तुमको क्या बोलता हूँ, चाहे 50 to 75 जाओ, चलो ये ठीक है, उसके बाद चाहे तुम लोग 75 to 100 भी जाओ या फिर 80 भी जाओ, सामने क्या लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा फटका कितने रुपीज का लग जाएगा, 10,000। तो एक बार 10,000 रुपया का फटका इस चीज की वजह से। आगे बोलो, एक और बार बोला करो ना यार क्लासरूम के अंदर, बोलो। तो एक बार 10,000 रुपए का फटका इस चीज की वजह से, तुमको समझ में आता है। तो 50,000 रुपए का खर्चा लग रहा था, प्लस यहाँ पे कितने रुपीज का एक्स्ट्रा लग जाएगा, 20,000। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 70,000। ओके, 1% got it right। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। यहां पे आप लोग लिख दो 70,000। कुछ डाउट है तो पूछ लेने का मेरे को। तो This is 437,500, sorry, correct। लेकिन ना वहां पे ना मैं इसलिए पूछा, कुछ डाउट है तो पहले मेरे को पूछो। तो एक काम जरा करो, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ना, देन यू विल नॉट आस्क द डाउट, इसलिए वेट कर लेते हैं फॉर द 8th क्वेश्चन टू हैपन। फोर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई 43,500। अपना कैलसी लेके पर्सनली कंप्यूट करने का मैडम, ऐड अप करते रहो हर चीज को, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहां पे लिखो वर्किंग नोट टू, राइट ऑन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो अप टू 50%, 50,000। Extra expense of ₹10,000 to increase capacity from 50 to 75%, inner column 10,000, 75 to 80%, 10,000, तो टोटल 20,000 हो जाएगा, टोटल 70,000 हो जाएगा।
चलो सुनो, मैंने ना बुक में फॉर्मैट्स कई क्वेश्चंस के बना के रखे हुए हैं, बट दोज फॉर्मैट्स आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग, दोज आर फॉर योर रिवीजन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मैट आई हैव केप्ट देयर, ताकि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रिवाइज दोज थिंग्स यू कैन ट्राई टू सॉल्व इन योर बुक स्लाइटली फास्टर. क्लासरूम के अंदर सब कुछ नोटबुक्स के अंदर ही सॉल्व होने वाला है. ओके, सो कट आउट दोज पर्टिकुलर फॉर्मैट्स. ओके, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए जब आप लोग अपने स्टडी लीव पर होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ प्लीज. अभी 7 और 8 अगर वो देखोगे तो वो जुड़ा भाइयों की तरह ही है. मेरे को फर्क बताओ दोनों क्वेश्चंस के अंदर. क्वेश्चन नंबर नहीं बोलना, वो मालूम है अलग है. फटाफट बोला करो यार, इतना टाइम नहीं लेने का यार प्लीज. क्लासरूम के अंदर बोलो. एक वहां पे डायरेक्ट लेबर का भी फर्क है कुछ. वहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 72,000 रुपीज पर एनम. आगे सेमी वेरिएबल के अंदर एक और वर्ड अटैच हो गया. क्या वर्ड अटैच हो गया, 10,000 पर एनम. अच्छा, कैन वी से वो चीजों की वजह से डायरेक्ट लेबर शायद बदल जाए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड शायद बदल जाए, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा. तो तुम्हारा वर्किंग नोट 1 तो सेम ही रहेगा ना. तो डायरेक्टली फिर अभी कॉशीट से स्टार्ट करते हैं. लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 8. देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस / एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर. जिधर भी टिक है वो सब चीजें तो सेम ही रहेंगी. फटाफट कॉपी करो. Sales in the class, please. चलो, जिधर टिक हैं वो तुम लोगों ने कॉपी कर लिया, वो सब चीजें आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. ओके, जो बच गया है अभी इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग को मेरे को वो बताना है. अभी एक डायरेक्ट लेबर का तुम लोग को मेरे को अमाउंट बताना है और एक सेमी वेरिएबल ओवर हेड्स का. मैं बस तुम लोग को एक एग्जांपल दे सकता हूँ फॉर डायरेक्ट लेबर, सेमी वेरिएबल तो आप ही को करना है. एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर सपोज एक नया फैकल्टी रखा से मिस्टर एक्स. ओके, मेरे को बोलते हैं सर आप मेरे को पगार क्या देते हो. मैंने बोला सुन, तू एक घंटा काम कर, तेरे को सपोज रुपीज 1,000 पर आर मैं देता हूँ. ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके, तो वो बंदा सोचता है कि 1,000 रुपीज़ पर आर बहुत अच्छा हो गया यार. ओके, वो नया नया तो वो सीए बना था, इज़ अ गुड पेमेंट. ओके, उसने सोचना स्टार्ट किया अगर महीने का 50 घंटे काम करेगा तो घर पे 50,000 रुपये वो लेके जाएगा. अगर 60 घंटे काम करेगा तो 60,000 लेके जाएगा. अगर महीने का 100 आवर्स काम करेगा तो 1,00,000 रुपीज़ लेके जाएगा.
फिर उसको दिमाग में ख्याल आया कि अगर सर ने मेरे को काम ही नहीं दिया तो, बोला कि लेक्चर ही नहीं है तो फिर कितने आवर्स में काम करूँगा? ज़ीरो. ओके, तो घर पगार कितना लेके जाऊँगा? ज़ीरो. फिर रेट का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो मेरे पास आया, बोलता सर कुछ एक कमिटमेंट तो दो ना यार, कि इतना तो आप दोगे दोगे. ओके, फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने बोला चल ठीक है. मैंने उस बंदे को कुछ ऐसा बोला कि चल जो मर्जी हो जाए, आई गिव यू अ कमिटमेंट कि तेरे को हर मंथ मिनिमम 60,000 तो आ ही जाएगा. ओके, तो अगर कभी तेरे लेक्चर कम हुए और तेरे को पगार इससे भी कम आ रहा है, तो मैंने तेरे को जबान दे दी कि भाई तेरे को 60,000 रुपया तो मैं दूंगा ही दूंगा. ठीक है, अब मेरे को ज़रा बोलो, कोई एक महीने में उसने 70 आवर्स काम किया, मेरे को बोलो मैं उस महीने में उस बंदे को कितना पगार दूँ? 70,000. मेरे को बोलो उस बंदे ने 80 आवर्स काम किया, कितना पगार दूँ? 80,000. उस बंदे ने 50 घंटे काम किया तो 60,000, क्योंकि ऑब्वियसली 50 × 1,000 कितना हो जाएगा? 50,000. लेकिन मैंने बंदे को मिनिमम कमिटमेंट कितने का दिया हुआ है? 60. तो भाई फिर आप उसको 60,000 तो देना पड़ेगा ना, जबान दी थी तो अभी पैसा भी दो फिर. ओके, तो अभी डायरेक्ट लेबर के लिए तुम लोग क्रैक अभी कर पाओगे. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, मेरे को तुम लोगों से आंसर चाहिए. मैं तुम लोग को 4 मिनट दे रहा हूँ, नहीं चलो 1 मिनट का ओवर टाइम देता हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, मेरे को तुम लोग आंसर बताओ. दोनों आंसर देना, डायरेक्ट लेबर का भी सेमी वेरिएबल का भी. डायरेक्ट लेबर का भी आंसर बोलो, वो तो सब लोग का 87,000 ही आया ना. ठीक है, क्योंकि 87 और 72, उसको मिनिमम 72 देना चाहिए था, तो वी आर पेइंग 87. नो, सो आवर कमिटमेंट इज मेट. एक मिनट और है, जो सोचने में सोचो, फिर स्टार्ट करेंगे.
ना देखो 78 70 वही वही है ओके कुछ और भी आंसर फ्रेंकली देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन लास्ट पार्ट एंड दिस पार्ट पहले एक काम जरा करो यहां पे वर्किंग नोट वन लिख देना डायरेक्ट लेबर के लिए और कॉस्ट शीट के नीचे आओ वहां पे लिखो वर्किंग नोट वन डायरेक्ट लेबर नेक्स्ट लाइन पे देखो वेजेस टू बी पेड एज पर प्रोडक्शन ब्रैकेट्स में 43,500 इंटू टू राइट हैंड साइड 87,000 43,500 इंटू टू राइट हैंड साइड 87,000 नेक्स्ट साइन पे लिखना मिनिमम वेजेस राइट हैंड साइड 72,000 मैं बोलो दोनों को ऐड करवाऊं तुमसे दोनों को ऐड करके हम लोग पे करेगा नहीं ना यू विल पे देम कितना यार 87 मतलब यू विल पे व्हाट एवर इज हायर नो ओके नेक्स्ट साइन पे लिख देना हायर और राइट हैंड साइड पे लिख देना 87,000 चलो तो इधर आ जाओ 87,000 तो मतलब तुम्हारा ये वाला फिगर तो चलो वही रहेगा ये 2 rupees भी वही रहने वाला है आगे सुनो अभी जो बच गया दैट इज सेमी वेरिएबल अभी सुनो Not much difference between last part in this part, except पिछली बार per annum नहीं था अभी per annum आ गया अगर कभी आपको per annum word देगा मतलब आपका 10,000 rupees का खर्चा होता है for 1 year per annum का मतलब भी वो ही होता है it is incurred for 1 year okay तो उसका मतलब क्या है जब भी आपको आपका capacity 25% या उसके कोई भी part से बढ़ाना है आपका 10,000 rupees का एक्स्ट्रा खर्चा होगा लेकिन कितने टाइम फ्रेम के लिए बेटा 1 साल के लिए ओके लेकिन अब जरा सोचो मेरे को अपना कैपेसिटी 50-80% पूरे साल के लिए नहीं करने का था पिछली बार पर एनम वर्ड नहीं था मतलब 10,000 rupees का खर्चा फ्लैट होएगा ओके लेकिन नाउ इट बिकम्स अ टाइम प्रोपोर्शनल एक्सपेंस क्योंकि वहां पे लिखा हुआ इट इज 10,000 पर एनम ओके तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा 20,000 rupees का होने वाला है लेकिन ये 20,000 rupees का खर्चा होता अगर आप अपना कैपेसिटी 50-80% पूरे साल के लिए करता आप लोग अपना 50-80% सिर्फ कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो फॉर 9 months तो 20,000 rupees विल बी योर एक्स्ट्रा एक्सपेंस बट फॉर 1 year यू आर ओनली ट्राइंग टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर व्हाट टाइम ईयर 9 months सो देयरफॉर आप लोग का एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीज का हो जाएगा 15,000 योर फाइनल आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बिकम कितना 65,000 दैट विल बी योर फाइनल आंसर ओके कुछ डाउट है मेरे को पूछ लेने का इफ यू वॉन्ट टू बी आस्किंग वाई योर आंसर इज रॉन्ग यू कैन डू दैट ऑल्सो ओके लिखो वर्किंग नोट टू सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और ये कॉपी करो कॉस्ट शीट के अंदर बाद में 65,000 लिख देना कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दो
बेटा 50,000 पर एनम, इस बार भी 50,000 पर एनम ही है, लेकिन 10,000 पिछली बार फ्लैट कॉस्ट था, इस बार 10,000 पर एनम है. तो आर यू ऑपरेटिंग एट 50% फॉर द एंटायर ईयर? इवन इन दिस क्वेश्चन आर यू ऑपरेटिंग एट 50%? तो एटलीस्ट तो 50% पर तो तू काम कर ही रही है ना, तो 50,000 रुपये का तो खर्चा होएगा ही होएगा. अगर तेरे को वैसे करने का है तो बोले सर आप 50,000 को भी टाइम प्रपोर्शन बनाओ, तो ऐसा बोलती है. तो बेटा तेरा आंसर वो ही आएगा बेटा, ठीक है तो मैं कर देता हूँ वैसे. तो 50,000 रुपीज़ तो बोलती है इंटू 3/12 करो, बराबर, ठीक है वैसे कर देता हूँ. और फिर उसके बाद 50,000 प्लस 10 प्लस 10 तो वो कितना हो जाएगा? 70,000. ठीक है 70,000 इंटू, समझा तेरे को, इंटू 9/12 करेगी, ये टोटल मार के देख लेना 65,000 ही आएगा बेटा. क्योंकि 50,000 पर तो आप 50% पर तो आप काम कर ही रहे हो ना फॉर द एंटायर ईयर, आंसर वही आ जाएगा. तो कंप्यूट करके देख ले, पुट दोस आंसर, सेलिंग प्राइस निकाल के दो मेरे को. 17.22. हो गया बेटा मारा आंसर 17.22. तो एवरीबडी इज गॉट, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पे आ जाओ प्लीज. अभी दिस इज लास्ट एंड द थर्ड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी मैं चेंजेस नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग को चेंजेस दिखाई देगा और उसके हिसाब से तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, सेम हेडिंग देना. अगेन टू अमाउंट्स विल बी चेंजिंग फॉर यू, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डायरेक्ट लेबर, अदर ऑफ देम इज गोइंग टू बी योर सेमी वेरिएबल. ओके तो तुम लोग अभी कॉस्ट शीट फटाफट तो वो बना लो फॉर द थर्ड टाइम इन योर बुक. देखो क्वेश्चन नंबर 9, वही हेडिंग देना जो पहले दिया था और स्टार्ट करो. तुम्हारे पास टोटली 8 मिनट्स हैं इंक्लूडिंग मेकिंग द कॉस्ट शीट. यू हैव टू टेल मी 2 फिगर्स. आई हैव पुट ऑल 3 क्वेश्चंस डिफरेंट. ओके ये थर्ड वर्जन है, लास्ट वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मेरे को 2 आंसर बताना, एक डायरेक्ट लेबर और एक सेमी वेरिएबल. After 8 minutes, I will start away with my answer.
चलो अभी दोनों चीजें टफ थी बोलो. पहला वाला कितना 87 था और दूसरा वाला कितना 70,000. चलो दोनों ही गलत है. लेबर के ना कुछ फर्क नहीं है क्या पिछली बार और इस बार के ना कोई फर्क नहीं है क्या? पिछली बार क्या लिखा था सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ जो टाइम खत्म तो अब ऑफिशियली वो स्टार्ट करते हैं. सुनो तो पिछली बार डायरेक्ट लेबर के लिए क्या लिखा हुआ था 72,000 पर और अभी क्या लिखा है तो सेम हो गया क्या दोनों? तो फर्क क्या है क्योंकि तुम लोगों ने तो मेरे को आंसर सेम ही बताया. मेरे को अभी यहां पर पूरे साल का नहीं काम करना पड़ेगा. आगे कुछ बोलो. मैंने उनको फिक्स कमिटमेंट हर आगे बोलो मंथ के दे दिया है तो भाई फिर मेरे को मंथ वाइज जाना पड़ेगा. अभी किसी भी मंथ के अंदर अगर पेमेंट 6,000 से कम हो जाएगा तो फिर मेरे को उन लोगों को 6,000 रुपये तो पे करना पड़ेगा. तो अभी आप पूरे साल का कैलकुलेशन इकट्ठा नहीं कर सकते. आप लोग मंथ वाइज करो फिर. ओके तुम लोग कुछ नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लेबर फर्स्ट 3 months. ओके फर्स्ट 3 months तुम्हारा जो प्रोडक्शन था वॉज कितना यार 7,500. ओके This was production for the first 3 months. ठीक है तो आई एम राइटिंग इन दिस केस प्रोडक्शन पर मंथ. प्रोडक्शन पर मंथ विल बी 7,500 डिवाइडेड बाई 3. तो हर मंथ के अंदर बेटा प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हो जाएगा 2,500. ठीक है अभी अगर मैं यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट करूँ तो हर यूनिट के लिए कितना रुपीज पे करने का है 2. सो देयरफॉर वेजेस एज पर production that will be in this particular case 2,500 into 2 तो वो कितना आ जाएगा 5,000. लेकिन मैंने उन लोगों को minimum wages कितने रुपीज का बोला हुआ है 6,000. तो मेरे को बोलो 5,000 देना पड़ेगा कि 6,000 whatever is higher you will pay. So therefore आप लोग first 3 months के लिए पगार कितने रुपीज का दोगे 6,000. Obviously into 3 months तो payment कितने रुपीज का कर दोगे 18,000. सबको समझ में आ गया. Same thing you are going to be doing for 9 months. Okay एक बार ये answer आ जाएगा वो answer आ जाएगा दोनों को add up करके final answer आ जाएगा. Okay लिखो working note 1. डायरेक्ट लेबर जैसे मैंने फर्स्ट 3 months का नोट बनाया तुम लोग लास्ट 9 months का नोट बनाएगा. लास्ट 9 months का निकालो इसके बाद एड अप करके आंसर लेके आना टोटल वाला.
sure, so your job over here is done. So 90,000 piece aap log apni cost sheet ke andar dal do. Theek hai, abhi dusra working note 2 likho, semi variable overheads 18,000, 72,000 everybody got, no? तो ऐड अप करके फिर 90,000 आ जाता है. देखो वर्किंग नोट 2 सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. अभी तुम लोगों को पढ़ना चाहिए था, हर क्वेश्चन सेम नहीं होने वाला है. वहां पर क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 रुपीज फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ ओके For the year as a whole. फिर से पढ़ो ना जो बोर्ड में लिखा है. पढ़ो क्या लिखा है. For the year as a whole. अभी उसका मतलब भी तुम लोग को सोचना चाहिए था, तुम लोगों ने तो सोचा ही नहीं. उसका मतलब क्या होएगा. उसका मतलब क्या होएगा बोल. सुनो बोलो क्या बोलता है. ऐसा मत सोच कि यू आर गोइंग टू बी ऑपरेटिंग एट 50% फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स. ऐसा भी मत सोच यू आर गोइंग टू बी वर्किंग एट 80% फॉर द लास्ट 9 मंथ्स. ओके अलग अलग मत बोल. एज शी टोल्ड कि सर ट्राई टू फाइंड आउट 1% फॉर द इंटायर ईयर. ओके तो मेरे को एक फैक्ट जरा बोलो, पूरे साल के अंदर कितना यूनिट्स बनाओगे. 43,500 ओके डिवाइडेड बाई 60,000 दैट इज योर 100% कैपेसिटी राइट इन टू 100. ये वाला परसेंटेज जरा निकालो कितना आता है. 72.5%. तो अभी तुमको समझ में आएगा वर्किंग एट 50% फॉर 3 मंथ्स एंड 80% फॉर 9 मंथ्स इज ऑल्सो इक्वल टू कुछ बोलो अच्छा. इज ऑल्सो इक्वल टू बोलो कुछ अच्छा 72.5 फॉर द एंटायर ईयर नो. तो अभी ये दोनों चीजों को मत सोचो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, ये वाली चीज को सोच लो. तो अगर मैं तुमको बोलता वी विल वर्क एट 72.5% फॉर द एंटायर ईयर, बात तो वही है अभी, लेकिन ऐसा ही सोचने का है. और अब सेमी वेरिएबल का अभी तो आंसर बताओ मेरे को बोलो. 60,000 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले 50% तक तुम्हारा खर्चा कितने रुपीज का हो जाएगा 50,000 और उसके बाद टू मूव फ्रॉम 52 बोलो आगे चाहे 72.5 लिखो चाहे 75 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तुम्हारा एक्स्ट्रा फटका कितने रुपीज का लग जाएगा 10,000. तो तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीज का हो जाएगा 60,000. एवरीबॉडी गॉट दिस. लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एंड राइट नाउ परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन For the year as a whole is equal to 43,500 upon 60,000 into 100 is equal to 72.5%. और अभी मैं पिछले वर्किंग नोट के अंदर ही चेंजेस कर देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा. तो नेक्स्ट टाइम पे अभी जरा लिखो कॉस्ट शीट के अंदर एक डायरेक्ट लेबर का अमाउंट डाल देना 90,000 और एक ये सेमी वेरिएबल अपना कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लो सब लोग.
सेलिंग प्राइस कितना आता है बस? सेलिंग प्राइस कितना आता है? सेलिंग प्राइस 17.11. चलो सर, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल टुगेदर डन. क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए प्लीज. A limited company has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Its works cost is an alternate name for factory cost. First or second lecture mein kiya hua hai. At various levels of production are as follows. Level in percentage 10%. 10% matlab agar aap mahine ka 10,000 यूनिट कैपेसिटी अपना कितना था बेटा 1 लाख ना, तो अगर आप 10% पे ऑपरेट करोगे मतलब महीने का 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचोगे तो आप लोगों का वर्क्स कॉस्ट कितने रुपीस का लग जाएगा 400. 20% पे काम करो तो 390 लगेगा, 30% पे 380, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा 100% पर काम करोगे सो देयरफॉर दैट फिगर विल बिकम कितना 310. आगे इट्स फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,50,000 and fixed marketing expenses amounted to 2,50,000 per month respectively. ठीक है. The variable distribution cost amount to rupees 30 per unit. Okay. It can market 100% of its output at 500 per unit provided it incurs the following further expenses. तो वो लोग क्या बोलता है, अगर 100% तक गुड्स बेचने का है ओके तो अपना सेलिंग प्राइस कितने रुपीस का हो जाएगा 500. लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, आप लोग 100% गुड्स तभी बेच पाओगे जब भी आप लोग ये चार खर्चे और करो. ये चार खर्चे कौन से हैं? इट गिव्स गिफ्ट आइटम्स कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल. इट हैज लक्की ड्रॉज एवरी मंथ गिविंग फर्स्ट प्राइज ऑफ 50, सेकेंड प्राइज ऑफ 25, थर्ड प्राइज ऑफ 10, फ्री कॉन्सोलेशन प्राइज ऑफ 5,000 ईच टू द कस्टमर्स बाइंग द प्रोडक्ट. इट स्पेंड्स 1 लाख रुपीज ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर्स. इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख रुपीज पर मंथ. इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट क्या लिखा हुआ है 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंसेस रेफर टू इन ए टू डी अबव. तो वो लोग क्या बोलता है, अगर आपको सिर्फ 30% तक ही गुड्स बनाकर बेचने का है, 30% मतलब 30,000, तो आपको ए टू डी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सेलिंग प्राइस 500 नहीं होगा, कितने रुपीज का होगा 550. एडवाइस द कंपनी ऑन द कोर्स ऑफ इट एक्शन शो द सपोर्टिंग कॉस्ट शीट्स. तो चलो ठीक है, अभी वो लोग क्या बोलता है, तो आपके पास ना इस क्वेश्चन के ना 10 ऑप्शन थे. फर्स्ट टेबल ने आपको 10 ऑप्शन दिए, वुड यू लाइक टू ऑपरेट एट 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. इन 10 ऑप्शन के अंदर से आप लोग अपना बेस्ट ऑप्शन बताओ. ठीक है, तो मैं तुम लोग से एक जनरल बात कर रहा हूँ, मेरे को जरा बोलो. सपोज मैं पागल बंदा है और मैंने ना यहाँ पर 10 कॉस्ट शीट्स तुम्हारे लिए तैयार कर दिया. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 10 कॉस्ट शीट्स जो है तैयार कर दिया. ठीक है, मेरे पास 10 ऑप्शन है, मैंने 10 कॉस्ट शीट्स तैयार कर दी. ठीक है, अब मेरे को सोच के बोलना तुम्हारे लिए विच इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिधर मैं बस तुमको लिख के दे रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई टू थिंक. सर वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिधर जिंदगी में सेल सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑप्शन.
नहीं सर, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है जिधर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है सर. थर्ड ऑप्शन, नहीं सर, वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिधर टोटल कॉस्ट सबसे कम होता है सर. नहीं सर, वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिधर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है. नहीं सर, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा होता है जिधर प्रॉफिट पर यूनिट सबसे ज़्यादा होता है. क्योंकि देखो, तुम्हारा एक टोटल का कॉलम भी बनेगा, तुम्हारा एक पर यूनिट का कॉलम भी बनेगा. ओके, लास्टली, नहीं सर, वो ऑप्शन सबसे अच्छा होता है जिधर टोटल कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम होता है. सपोज मैंने तुम्हारे सामने 10 कॉस्ट शीट्स रखी, हाउ डू यू टेल मी विच इज़ योर बेस्ट कॉस्ट शीट? मैं कोई 6 चीज़ों में से बताऊँ. तुम लोग एक कोई भी बिजनेस के अंदर क्या देखते हो? हायर सेल्स, हायर प्रॉफिट, लीस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट, लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट, क्या देखते हो? अगर एक चीज देखना हुआ तो यू कैन नॉट ट्राई टू से कि मेरे को हाईएस्ट सेल्स भी चाहिए, हाईएस्ट प्रॉफिट भी चाहिए. सपोज एक जगह पे सेल्स ज्यादा है, एक जगह पे प्रॉफिट ज्यादा है, देन यू हैव टू सिलेक्ट वन. नो, मेरे को बोलो कौन सा चीज अच्छा होता है. सेल ज़्यादा करना, प्रॉफिट ज़्यादा करना, कॉस्ट सबसे कम करना. तुमको अगर तुम्हारा बिजनेस होता तो तुम लोग क्या करते सर? ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट. तो फिर एक काम करते हैं, जिंदगी में एक ही यूनिट इतना छोटा सा बनाएंगे, बस काम खत्म हो गया. सबसे कम कॉस्ट होएगा. बोलो बोलो. अच्छा, प्रॉफिट के अंदर भी मैम फिर दो ऑप्शन, आपको हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए. सपोज एक कॉस्ट शीट है उधर टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन कोई और कॉस्ट शीट है जिधर प्रॉफिट पर यूनिट उससे ज़्यादा है, तो कौन सा कॉस्ट शीट अच्छा होता है? जिधर हाईएस्ट टोटल प्रॉफिट ज़्यादा होता है कि प्रॉफिट पर यूनिट ज़्यादा होता है? तुम लोग सीए क्यों करते हो? मेरे को एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना, तुम लोग सीए क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए बस. ओके, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा वो सबसे ज़्यादा अमीर, बस बात खत्म हो गई. ओके, जब रिलायंस ने जियो वगैरह कुछ लॉन्च किया था, उन लोगों ने प्राइस बहुत कम रखा था, बराबर है? तो प्रॉफिट पर यूनिट उनको बहुत कम होता होगा. ओके, लेकिन ओवरऑल वो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आता है. तो इन एंड दुनिया में सब लोग को क्या मांगता है? पैसा. ओके, गांधी चाहिए बस अपने को. ओके, सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट ऑप्शन इज बेटर वेयर एवर यू ऑन. बोलो, हाईएस्ट टोटल प्रॉफिट. बस बाकी सब चीजें, सेल ज्यादा करके अगर तूने लॉस किया तो क्या महान काम किया? ओके, अगर सपोज तूने कॉस्ट कम किया फिर भी लॉस हो गया तो क्या महान काम किया? ओके, अल्टीमेटली समथिंग शुड बी लेफ्ट विद यू और नॉट यार. ओके, तो जिधर भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा दैट ऑप्शन इज बेटर. सबको समझ में आता है? एक और चीज, मैं कोई भी क्वेश्चन के अंदर आज के बाद पर यूनिट वाला कॉलम शायद ना बनाऊं. ओके, याद रखना, पर यूनिट वाला कॉलम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर शायद बनाना जरूरी था, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर स्टॉक्स आ जाता है. अगर सोचोगे तो अगर स्टॉक आएगा तो आपको पर यूनिट चाहिए, क्योंकि आपको स्टॉक को वैल्यू करना पड़ता है. लेकिन आप अपना पिछला क्वेश्चन भी जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर यूनिट का कॉलम नहीं भी बनाता, अगर सपोज मैं डायरेक्ट मटेरियल को इधर भी डाल दूँ, इसको इधर भी डाल दूँ, इसको इधर भी डाल दूँ, क्या फर्क पड़ता है? आंसर विल बी सेम ओनली. नो, सो योर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट ओनली मैटर्स इफ देर इज वॉट इन योर क्वेश्चन स्टॉक. जरा सोचो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया भी उस चीज को कब फर्क पड़ेगा? जब स्टॉक होएगा ना. अगर सपोज स्टॉक ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? आप एडमिन को ऊपर डालो या नीचे, तुमको समझ में आता है? तो इन एनी पर्टिकुलर केस ऑल दोज थिंग्स विल ओनली मैटर इफ देयर इज स्टॉक इन द क्वेश्चन. ठीक है, वरना ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स डोंट मैटर. इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली कोई स्टॉक वगैरह तो है भी नहीं. ठीक है, सो अभी बराबर से सुनना मैं तुमको क्या बोलता हूँ. अभी तुम लोग मेरे लिए क्या करने वाले हो, कुछ ऐसा सुन. इन दिस केस ना देखो, मेरे पास 10 ऑप्शन है. इधर आई कैन ऑपरेट एट 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. ठीक है, अभी डेटा सम का ध्यान से पढ़ो. सम के अंदर ना पहले एक लाइन था, अगर आपको 30% तक ही गुड्स बेचने का है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको 30% तक ही गुड्स बेचने का है, पहले मेरे को बोलो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होएगा? 550. मेरे को बोलो क्या आपको ए टू डी का खर्चा करने की जरूरत है? नहीं. तो फिर क्या क्या खर्चा करने की जरूरत है? मेरे को नाम बोलते रहो क्वेश्चन के अंदर. कुछ और खर्चे तो है ना यार. एक तो तुम्हारा फर्स्ट टेबल बेटा, वर्क्स कॉस्ट, इधर 400 का है, इधर 390 का है और इधर 380 का है. और बोलो, और बोलो.
सर एक आपका फिक्स्ड एडमिन का कॉस्ट है कितने रुपीज़ का है? बस 1,50,000। आगे बोलो एक आपका फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट है कितने रुपीज़ का है? 2,50,000। एक और चीज़ बोलो, एक आपका वेरिएबल S&D है ना कुछ, ओके, जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने रुपीज़ का है? 30,000। ठीक है, तो मैं तुमको क्या बोलता हूँ, ज़रा सोचो, मैं पागल बंदा है, मैंने 3 कॉस्ट शीट्स तुमको बना के बताया, एक 10% के हिसाब से, एक 20% के हिसाब से, एक 30% के हिसाब से। कैन वी से 10% बोले तो 10,000 यूनिट पर मंथ, 20,000 बोले तो 20,000 पर मंथ, 30,000 बोले तो 30,000 पर मंथ। कॉमन सेंस है सर, 30% वाला जो कॉस्ट शीट है ना सर, वो हमेशा ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट ही दिखाएगा। क्यों? मैं तुमको 3 रीज़न देता है। फर्स्ट सर, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑटोमेटिकली विल मीन मोर प्रॉफिट, फर्स्ट। सेकेंड सर, प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट और भी कम है एज कम्पेयर टू, तुमको समझ में आता है, तो 30% पर प्रॉफिट और ज़्यादा भी होएगा, ओके। एंड थर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑपरेट एट हायर लेवल। नो बेटा, फिक्स कॉस्ट तो फिर भी वही रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ओके, सेम कॉस्ट विल स्प्रेड ओवर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, नो यार, तो आपको 10% और 20% पर कॉस्ट शीट बनाने की ही कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30% पर कॉस्ट शीट विल ऑलवेज शो हायर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू 10 and 20%। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाएगा एट 30%, 30% बोले तो कितना यूनिट्स पर मंथ? 30,000। ठीक है, तो ये वाला दोनों चीज़ें, चलो मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, उसका मतलब क्या है, अगर मेरे को 30% के ऊपर बेचने का है, एक बार ज़रा टेक्स्ट बुक चेक कर लो, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना रुपीज़ का हो जाएगा? 500। ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड लास्ट लाइन था ना, उसका उल्टा पढ़ रहा हूँ। थर्ड लास्ट टाइम पे क्या था, इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनक्रिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर टू इन ए टू डी अबव। बोलो क्या बोलता है, कि अगर 30% तक ही गुड्स बेचने का है तो 550 पर बेच सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट ए टू डी का खर्चा नहीं करो। तो इस चीज़ का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, अगर 30% से ऊपर गुड्स बेचने का है, आगे बोलो, तो आपको अपना प्राइस कम करके कितना करना पड़ेगा? 500, और ए टू डी का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा सोचो, जब ये 40 से 100% तक काम करोगे, हमेशा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 500। वर्क्स कॉस्ट विल रेंज फ्रॉम 370 से लेके कम होते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा? 310। उसके बाद ये वाला खर्चा तो अभी भी होएगा, ये वाला खर्चा तो अभी भी होएगा, ये वाला खर्चा तो अभी भी होएगा, और ए टू डी का खर्चा भी होएगा। उसके अंदर से देख लेना, एक तुम्हारा 30 पर यूनिट का खर्चा हो जाएगा, फिर कुछ एक लकी ड्रॉज वगैरह वो निकालोगे, एक उसका कॉस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद एक 1 लाख रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा, और एक 20 लाख रुपये का। तो अब मैं वही वाला सेंटेंस जो 5 मिनट पहले बोला फिर से बोल रहा हूँ। ज़रा सोचो, एज कम्पेयर टू 40 to 90%, 100% विल ऑलवेज गिव मोर प्रॉफिट ओनली। मेरे को 3 रीज़न बताओ, मैंने तुमको 3 रीज़न बनाए थे, बोलो। क्वांटिटी ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, सेकेंड फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स बेटर टू ऑपरेट एट हायर लेवल, थर्ड सर वर्क्स कॉस्ट इज लोअर, नो तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग पागलों की तरह 10 कॉस्ट शीट नहीं बनाएंगे, हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ कितना कॉस्ट शीट्स बनाएगा? 2 कॉस्ट शीट्स। एट व्हाट लेवल बॉस? 30% and 100%। और जिधर भी टोटल प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन, ओके। तो अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, रफ में जाओ, फॉरगेट द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ओके, सिंपली तेरे को प्रॉफिट ही चाहिए ना बेटा, सारा का सारा कॉस्ट ले, एड अप कर, सेल्स के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट, एंड द जॉब इज ओवर। वेयर एवर द प्रॉफिट इज हायर, दैट ऑप्शन इज बेटर, ओके। रफ में जाओ, मैं तुम लोग को 10 मिनट देता हूँ, मेरे को तुम लोग 2 प्रॉफिट्स निकाल के दो, रफ में जाओ, 30,000 और 1 लाख का 2 कॉस्ट शीट्स बनाओ।
टाइम खत्म. तुम्हारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 38 लाख और 104 लाख आ जाना चाहिए था एट 30,000 एंड एट 1 लाख. ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले नोट जरा लिखो कि हम लोग क्वेश्चन से दो लेवल्स पर ही क्यों बना रहे हैं. देखो तुम लेट We always want highest profit. Full stop. Therefore, out of the two options, comma, that option is better. Where total profit is higher. Next sample, likho. We have 10 options with us. Next sample, go as compared to 10 and 20%. Comma, 30%. Will always show higher profit. Full stop. This is because next time we go first, more units means more profit. Second, worst cost is lower at 30%. Third, fixed cost remaining fixed. It is always better to work at 100%. Sorry, it's always better to work at 30%. Next time, we'll go exactly for the same reasons. Exactly for the same reasons, comma, from 40 to 90%, will always show lower profit. As compared to 100%. Next sample, we'll go. Therefore, we are making only two cost sheets. Comma, one at 30% and one at 100%. And that option will be better
where? Total profit is higher. Next time I bracket mein ek cheez zara likho. Dekho, we only require per unit column when there are stocks. Full stop. If there are no stocks, per unit column is not required. Bracket mein ek reference likh ke rakhna, jo abhi abhi note likha hai uske liye. Bracket mein, ye bracket mein you all are writing, to bracket mein ek aur cheez zara likho, also refer question 5 of chapter 10. Do questions banao aise, wo columnar hi kaam wo kar lenge. स्टार्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ टोटल वाला कॉलम ही बना रहे हैं हम लोग, पर यूनिट वगैरह नॉन इंटरेस्टेड. जिधर भी ओवरऑल तुम लोग सबसे ज्यादा कमाओगे, दैट ऑप्शन इज बेस्ट यार. ओके, देखो इस क्वेश्चन का ना बेटा डीएम डीएल शायद वो सब कुछ उन लोगों ने दिया ही नहीं, क्योंकि ये सब के बदले में उन लोगों ने अपने को कौन सा टर्म दे दिया, वर्क्स कॉस्ट. तो चीज़ें जो हैं वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट ना यार, तो चीज़ें फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पर लिख के रखो वर्क्स कॉस्ट. यहाँ पर 30,000 इंटू 30% पर कॉस्ट कितना हो जाएगा 380, और यहाँ पर 1 लाख इंटू 310. एडमिन ओवरहेड्स वो तो जो मर्जी हो जाए, मेरे ख्याल से 1,50,000 है अंडर बोथ द केसेस. एंड एसएनडी, अच्छा एसएनडी ना आई एम राइटिंग दो चीजें, एक ओल्ड या फिर करंट, आपको जो भी वर्ड यूज करना है. उसके अंदर एक फिक्स था और एक वेरिएबल था. तो एसएनडी का बेटा जो फिक्स्ड वाला पार्ट था कितने रुपीस का था, 2,50,000. और वेरिएबल वाला 30 पर यूनिट है ना, सो 30,000 इंटू 30, 1 लाख इंटू 30.
यहाँ पे आ जाएगा न्यू। न्यू के अंदर बेटा मतलब न्यू मतलब आई एम सेइंग पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी। तो एक एक करके यहाँ पे कॉस्ट लिखते रहते हैं, पहले सिर्फ ए का वो लिखते हैं। टेक्स्ट बुक जरा चेक करो, ए क्या है? इट गिव्स गिफ्ट आइटम्स कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिख सकते हो 30,000 इंटू 30, यहाँ पे लिख सकते हो 1 लाख इंटू 30। बी लक्की ड्रॉज, लक्की ड्रॉज जो है एक तुम्हारा 50 का है, एक 25 का है, एक 10 का है, तो कितना हो जाएगा 85 प्लस तीन प्राइजेस हैं 5,000 के, तो इन ऑल टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख। एक सेकेंड ना, मैंने एक चीज़ वो गलत लिखा है, ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी वो सिर्फ 100% वाले के अंदर ही है ना बेटा। ए टू डी वाला जो खर्चा है सिर्फ 100% वाले पर ही है, सॉरी। उसके बाद सी, इट स्पेंड्स 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट एवरी मंथ सर्व टू इट्स कस्टमर्स, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। और फिर यहाँ पर डी, स्पॉन्सर्स टेलीविजन प्रोग्राम एट 20 लाख। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट गेट सेल्स। अच्छा सेल्स बेटा कंप्यूट करना पड़ेगा, यहां पे 30,000 यूनिट्स बिकने वाले हैं, मेरे को बोला एट व्हाट प्राइस 30,000 यूनिट्स बिकेगा, एट व्हाट प्राइस 550, लेकिन यहां पे 1 लाख यूनिट्स बिकेगा at what price 500। profits निकाल लेना। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 38 लाख्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 104 लाख्स।
कंक्लूजन लिख के रखो, द कंपनी इज एडवाइज टू ऑपरेट एट 100%. टेन मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं.
चलिए सुन, क्वेश्चन नंबर 10 तक ये रहता, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इजी क्वेश्चन है इसका, एक्चुअली आपकी कॉस्टिंग से भी बहुत ज्यादा कुछ ताल्लुक नहीं है। पढ़िए, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 45,000 इज एज फॉलोस। उधर मटीरियल है 50%, डायरेक्ट लेबर 20%, ओवरहेड्स जो है 30%। तो आप लोग कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसका एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितने रुपीज का है? 45,000। उसका जितना भी कॉस्ट है, उसका कॉस्ट कितना है वी डोंट नो, लेकिन उसके कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीज का है? 50%, लेबर कॉस्ट 20, ओवरहेड्स 30%। आगे, an increase in 15% in the cost of materials and 25% in the cost of the labor is anticipated. These increase costs in relation to present selling price would cause 25% decrease in the amount of present profit per article. एक मिनट, अभी बोलो क्या बोलता है कि उनका material cost कितने से बढ़ जाएगा? 15%। Labor cost कितने से? 25%। बेटा अगर कॉस्ट बढ़ेगा और अगर सेलिंग प्राइस उतना ही रखेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 25%। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। सेकंड, द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर। चलो ठीक है, सुनो अभी आप लोग क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना, आई एम गिविंग यू ऑल समथिंग टू थिंक, ओके, वर्कआउट ऑन दैट, ऑन दोज लाइंस तुमको पता चल जाएगा। देखो ये लिखना मत तुम लोग, सपोज प्रेजेंट सम के ना बेटा कौन कौन सा कॉस्ट है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ओके, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। देखो मैं ना पूरा क्वेश्चन एक यूनिट के हिसाब से ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के ना नंबर ऑफ यूनिट्स का कोई डिटेल नहीं है, तो सिर्फ पर यूनिट मतलब एक यूनिट का ही बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरी तरफ से आपको दो हिंट, लेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स, लेट टोटल प्रॉफिट पर यूनिट बी वाई। ठीक है, एक एक यूनिट का कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो एक्स और वाई है। मेरे को बोलो एक्स और वाई एड अप करके सेलिंग प्राइस मिलता है, मेरे को बोलो करंट सेलिंग प्राइस बेटा कितने का है? 45,000। तुम लोग इसका तीन पार्ट्स कर लेना, सम के अंदर कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है कि 50% ये है, ये है, ये है, वो सब कुछ कर लेना। ठीक है, अभी वो लोग क्या करता है, तुमको चेंजेस बता रहा है, वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं ये वाला कॉस्ट 15% से बढ़ गया, तो एक काम जरा करना नया वाला मटीरियल कॉस्ट ले आना, सेकेंड ये वाला लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो फिर क्या करना नया वाला लेबर कॉस्ट भी दे आना, थर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर ओवरहेड्स के लिए कुछ नहीं बोला, तो तुम लोग सोच लेना तुम लोग क्या करोगे, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, नया कॉस्ट मिल जाएगा, जरा एक बार सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो रिक्वायर्ड पार्ट के ऊपर वाला, दीज इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। मेरी तरफ देखो तो सेलिंग प्राइस अभी भी कितना है? 45,000 प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, वुड कॉज द प्रॉफिट पर यूनिट टू डिक्रीज भी बाय कितना परसेंट? 25%। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कितने से कम हो जाएगा? 25%। तो ये वाली चीज आ जाएगा, जैसे ही तुम लोग ये वाला चीज कंप्लीट करोगे तुम्हारी आंखों के सामने दो इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000 जो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 45,000 जो आ जाएगा, सॉल्व करके x और y का आंसर मेरे को बता दो। ओके, तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं मेरे को आंसर बताने के लिए।
Time is over. You should have got the answer. You're not even close to getting the answer. Let us start. The only problem is you all are not trying only. Likho zara please, right? Likho. Nobody will make you pass in exams. It is you who has to pass and fail. Get that thing very clear right in the beginning. It will be better for your life. Likho. Let present cost per unit be X. Let present profit per unit be Y. Let present cost per unit be X. Let present profit per unit be Y. ऐसे एक स्टेटमेंट बनाएंगे करंट चेंजेस प्रपोज्ड तुम्हारा करंटली जो सेलिंग प्राइस था 45,000 था उन्होंने ये एक्स बोला है ये वाई बोला है ऑब्वियसली एक्स का तीन टुकड़ा है इस क्वेश्चन के अंदर 50% क्या है मटेरियल सो ये कितना हो जाएगा 0.5x ये कितना हो जाएगा 0.2x ये कितना हो जाएगा 0.3x लिखो ये 15% से बढ़ जाएगा ये 25% से बढ़ जाएगा तो ये 0.5x था 0.5 कैलसी के ऊपर लो 0.5 प्लस 15% कितना हो जाएगा 0.575x वो 0.2x था 0.2 प्लस 25% कितना हो जाएगा 0.25x मेरे को बोलो ओवरहेड्स के लिए सामने कुछ नहीं बोला तो क्या करूं सेम सेम मतलब कितना लिखूं 0.3x ऐड अप करो 0.575 प्लस 0.25 प्लस 0.3 नया वाला कॉस्ट कितना हो जाएगा 1.125x ऑब्वियसली तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया सामने भी बोला था कि बढ़ जाएगा और उसकी वजह से इन रिलेशन टू योर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस तुम्हारा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना था 45,000 तुम्हारा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा 25% सो देयरफॉर ये y था y के अंदर 25% कम करते हो तो कितना बच जाता है 0.75y दो इक्वेशन आ गया सीपीटी स्किल्स दिखाओ x और y का आंसर लेकर आओ
फर्स्ट वाले को 1.125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फर्स्ट वाले को 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि x और x कैंसिल हो जाए, y और y कैंसिल हो जाए, तुमको जो भी कैंसिल करने का है. 1.125x प्लस 1.125y इज इक्वल टू 5062. सेकेंड वाला तो वैसे ही रहने देंगे. ये 0.375 आता है इज इक्वल टू 5625. वाई इज इक्वल टू 15,000. तो एक्स प्लस वाई इज 45, तो एक्स कितना हो जाएगा 30,000. क्या हो मैडम, सॉल्व करो, दैट मच यू ऑल शुड बी एबल टू डू योर सेल्फ. आगे चल रहे हैं, पढ़ो पार्ट वन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट. देखो ये भी जो स्टेटमेंट है, ये जो सारा का सारा है, ये एट प्रेजेंट वाला ही स्टेटमेंट है. बस इसी को एक्स और वाई के बदले में नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देना, द जॉब विल बी ऑल ओवर. तो एक्स के बदले में क्या आ जाएगा 30, वाई के बदले में क्या आ जाएगा 15, एंड इंडिविजुअली जो भी फिगर्स आते हैं वो लिख लेंगे. सो राइट डाउन पार्ट फर्स्ट. लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस. तो 45,000 करंट सेलिंग प्राइस था, ये 30,000 था, ये 15,000 था. इसके ऐसे 50% मटेरियल कॉस्ट था ना, मतलब 15,000, 20% ये था, 30% ये था. Second, उन्होंने सेकेंड पार्ट के अंदर क्या पूछा हुआ है, पढ़ो जरा प्लीज. द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. स्क्रीन पे देखो वो लोग क्या बोलता है कि ना अभी उनको ये वाला सेलिंग प्राइस चेंज करने का है, उनको न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए. ठीक है, अगर न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए तो उनको न्यू कॉस्ट भी, सॉरी उनको न्यू प्रॉफिट भी चाहिए. अच्छा पहले एक मिनट मेरे को बोलो एक्स कितना था, 30,000. तो पहले 1.125 इंटू 30,000 करो तो तुमको नया वाला कॉस्ट तो मिलेगा 33,750. तो अगर मैं ये वाला चीज़ एक्स और वाई के बदले में ऐसे ऐसे करूँ, सो दिस इज 33,750. ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज 30,000, दिस इज 15,000. अभी बोलो क्या बोलता है कि ना सेलिंग प्राइस ऐसा चेंज करो ताकि यू गेट सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. कैन वी से पहले प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वॉज 1/3, नो 15,000 upon 45,000 is 1/3, नो. तो ऑब्वियसली अभी भी उन लोगों को कितना चाहिए, 1/3.
इसको ऐसे बोल सकते हो, वरना एक और चीज भी बोल सकता हूँ, मैथ्स के अंदर थोड़े बहुत ठीक हो तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. सर, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो सेम एज हाफ ऑफ कॉस्ट. नो यार, दिस अपॉन दिस विल बी हाफ. नो, तो अगर आपको यहाँ पर 1/3 मेंटेन करने का है तो आपको यहाँ पर क्या मेंटेन करना पड़ेगा? हाफ. सो 33,750 लो कैलसी के ऊपर इंटू हाफ मारो उसका, 16,875 एड अप करो तो ऑब्वियसली यहाँ पे नया वाला सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. न्यू वाला सेलिंग प्राइस बताओ मेरे को, 50625. समझ में आएगा? दिस अपॉन दिस विल बी 1/3. नो यार, दैट वॉज सेम एज वॉट एवर वॉज देयर बिफोर. सबको समझ में आ गया? ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द थिंग्स. ओके, तो लिखो जरा प्लीज, पार्ट टू लिखो. कैलकुलेशन ऑफ revised selling price. तो सबसे पहले revised cost per unit is equal to 1.125x into 30,000, 33,750, and profit. तो पहले इट वॉज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज हाफ ऑफ कॉस्ट. एक मिनट ना, 1.125x नहीं लिखना, 1.125x मतलब 30,000. 1.125 इंटू 30,000. तो 33,750 डिवाइडेड बाय 2, 16,875, दिस विल बी 50625. दिस विल बी योर रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस. अपना ये वाला क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर डन. क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ प्लीज. अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर पढ़ो. अ री रोलर, वो मशीन का नाम है, ओके, प्रोड्यूस्ड 400 मेट्रिक टन्स ऑफ एमएस बार्स, जो स्टील बार्स होता है, स्पेंडिंग 36 लाख रुपीज टुवर्ड्स मटीरियल एंड 6,20,000 टुवर्ड्स रोलिंग चार्जेस. कुछ ना कुछ कॉस्ट वगैरह होएगा. 10% of the output was found to be defective, which had to be sold at selling, which had to be sold at, पढ़ो क्या लिखा है, at 10% less the price for good production. तो अगर मैं good production suppose 100 पे बेचता हूँ तो ये वाला चीज किस price के ऊपर बेचूंगा, 90, क्योंकि ये defective है थोड़ा सा. If sales realization should give the firm an overall profit of 12.5% on cost, find the selling price per metric ton of both the categories of bars. मेरे को बोलो, both the categories मतलब कौन सा categories? एक normal वाला, एक defective वाला, ठीक है? आगे, the scrap arising during the rolling charges fetched a realization of 60,000. चलो ये पिछले lecture के ने किया था, मेरे को बोलो, जब भी production करोगे scrap generate होएगा. Scrap हम लोग cost sheet में कैसे treat करते हैं? It is deducted from factory overheads, no? Okay, पिछले lecture के अंदर किया था. Okay, तो देखो मैं simple काम एक वो करने वाला हूँ. सम के ना मेरे को बोलो cost गिनाओ. मेरे को बोलो cost कौन कौन से हैं. मेरे को numbers बता दोगे तो चलेगा. बोलो cost कौन कौन से हैं. एक 36 lakhs का cost है. आगे बोलो 6,20,000 का cost है. और एक scrap बेच के अपने को 60,000 रुपया मिल जाएगा. तो वो वाला figure less होएगा. Okay, क्योंकि वो पैसा अपने को वो मिल रहा है. That will give you your cost. उसके ना अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए वो सम के ने दिया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरे को क्या दे देगा? सेल्स. और ये सेल्स अपने को दो कैटेगरीज में से चाहिए. ओके, सम गुड्स विल बी डिफेक्टिव दैट विल बी सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस लेस 10%. अदर गुड्स विल बी नॉर्मल दैट विल बी सोल्ड एट अ नॉर्मल प्राइस, ठीक है? तो पहले ना सेल्स तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं. लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ of
sales. Next line पे देखो material cost on right hand side 36 lakhs. Next line पे लिखो add rolling charges. Right hand side 6,20,000. Next line पे लिखो less scrap value. Right hand side में brackets में लिखना 60,000. वो पैसा अपने को मिलेगा, income है वो छोटा मोटा अपने लिए. नेट आंसर निकालो तीनों का. ₹41,60,000 उसके अगेंस्ट लिख देना टोटल कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन पे लिखो एड प्रॉफिट. एट द रेट ऑफ 12.5% ऑफ कॉस्ट. एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 12.5% कॉस्ट. तो 41,60,000 का 12.5% मारो. वो जितना भी आता है उधर लिखो, एड अप करो, लिखो सेल्स. कितना आ जाता है सेल्स? 46,80,000. सो अभी ये ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर नहीं है, ये तो अपने को टोटल सेल्स चाहिए. अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो, क्वेश्चन दिया है प्रोडक्शन कितने टन्स का हुआ, देखो बोलो 400 टन. मेरे को बोलो क्या सारा का सारा अच्छा यूनिट्स ही था, कितना परसेंट खराब था? 10%. एक्चुअली वो डिफेक्टिव था. ओके तो 10% मतलब 40 टन्स. ओके तो यहां पे तुम लोग जरा लिखो टोटल प्रोडक्शन 400 मेट्रिक टन्स. तो नेक्स्ट नेम पे डिफेक्टिव प्रोडक्शन 40 मेट्रिक टन्स. तो गुड प्रोडक्शन, तो बैलेंस यहां पर कितना बच जाएगा? 360 मेट्रिक टन्स. अच्छा एक मिनट, अगर मैं नॉर्मल गुड्स एक्स पर बेचता हूं, नॉर्मल बोले तो कितना टन्स? 360. तो कैन वी से ये वाला चीज मैं 10% कम में बेचता हूँ? 10% कम मतलब 0.9x. नो सामने वो बोला ना यार, वी सेल देम एट 10% लेस द नॉर्मल प्राइस. ठीक है तो जरा सोच कि आप 360 मेट्रिक टन्स बेचोगे, हर एक यूनिट किस प्राइस के ऊपर बेच दोगे? x प्लस आप 40 टन्स और बेचोगे, लेकिन हर एक टन कितने के ऊपर बेच दोगे? 0.9x. तो अपने को दिस इंटू दिस इतना सेल्स मिल जाएगा नॉर्मल गुड्स बेच के, दिस इंटू दिस इतना गुड्स मिल इतना सेल्स मिल जाएगा डिफेक्टिव सेल्स वो करके. तो दिस विल बी आर टोटल सेल्स. और टोटल सेल्स तुम्हारा, तुम लोगों ने अभी अभी तो लिखा कितने रुपीज का होना चाहिए? 46,80,000 का. इक्वेशन बना के आंसर आ जाएगा ना अपना. ओके लिखो तुम लोग राइट नाउ टोटल सेल्स फ्रॉम defective units is equal to 40 into 0.9x. No 0.9x थोड़ी देर में वो define करते हैं. Is equal to calci लो, इतना तो compute करो. Is equal to 36x. Next line पे टोटल सेल्स
of normal goods. Total sales of normal goods is equal to 360x. Next I'm going to write where x is a price of normal goods and .9x is a price of defective goods. Next I'm going to call, therefore total sales is equal to 36x plus 360x is equal to add karega to kitna aa jayega 396x. Next time, because of the last cheese, we'll look, therefore, 396x is equal to kitna tha beta wo 46,80,000. Solve karke ek bar x lekar aana, wo to calci par aa jayega, aur ek bar 0.9x bhi lekar aana, kyunki this is a selling price of the defective units. एक बार मेरे ख्याल से इनटू 0.9 कर देना तो तुमको दूसरा वाला फिगर भी मिल जाएगा. दो सेलिंग प्राइसेस है ना 10,636.36. चलो सुनो, तुम्हारा दिस चैप्टर इज ऑल टुगेदर डन. तुम्हारे पास अब से लेके 3 दिन है ओके टू सबमिट योर होमवर्क. ओके इंश्योर दैट यू डू दैट. आंसर्स तुम्हारी बुक के अंदर हिंट्स हैं, अजम्पशंस हैं. फाइनल आंसर नहीं आया तो वेबसाइट के ऊपर भी है ओके तो वहाँ पे यू विल गो, वहाँ पे कोर्सेज करके होगा, उसके अंदर आईपीसीसी या सी इंटर होगा, उसके अंदर कॉस्टिंग का कॉलम होएगा, वहाँ पे आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे. जस्ट वन थिंग आई एम डिस्कसिंग ताकि दिक्कत ना हो, होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार ज़रा देखो और होमवर्क सेक्शन का बुक मेरे को अलग से चाहिए प्लीज. एंड हेड ऑन टेल यू हैव टू डू, कोई एक्सक्यूज मत वो बनाना, ये मत हो कि उस दिन एबसेंट हो क्योंकि उसके बाद देन यू विल नॉट कम ओनली टू द क्लास देन. ओके क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ. सुनो इस क्वेश्चन के अंदर ओके जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो करोगे, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू डू वन स्मॉल थिंग, मेक अ कॉस्ट शीट बस. तो वहाँ पे ना बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स या एडमिन या आपको उसके बाद S&D वगैरह, आपको वो चीज़ें काम में आएगा ठीक है. तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ताकि उस क्वेश्चन के ना कोई दिक्कत ना हो. बस पेन अपने पास वो रखना, पेन या पेंसिल, ताकि यू ऑल कैन राइट. क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 30th of September. इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स 80,000, रॉ मटेरियल WIP. तो ये तुम्हारे तीन ओपनिंग स्टॉक्स हो गए. ऑफिस अप्लायंसेस, मेरे को बोलो ऑफिस अप्लायंसेस क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो एडमिन के अंदर आएगा ओके. वरना ऑफिस एक्सपेंस, सॉरी ऑफिस अप्लायंसेस इज नॉट एन एक्सपेंस ओके, वो फिक्स्ड एसेट है बेटा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उधर आएगा ठीक है. तो अभी के लिए उधर कुछ मत लिखो. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, वो भी फिक्स्ड एसेट है ओके. तुम लोग कॉस्ट शीट के ना तुम्हारे एक्सपेंसेस डालते हो, एसेट नहीं डालते हो. उसके बाद बिल्डिंग, वो भी फिक्स्ड एसेट है, तो कुछ मत लिखना. आगे सेल 7,68,000 ठीक है, तुमको मालूम है. आगे सेल्स रिटर्न एंड रिबेट, तो क्या करना जब आप लोग सेल्स लिखते हो ना, नेट सेल्स ही लिखना, दैट इज सेल्स माइनस इन दिस केस द सेल्स रिटर्न ठीक है. तो आप लोग 7,68,000 और 14,000 को बस एक ब्रैकेट में वो डाल देना, यू विल बी रिकॉर्डिंग 7,54,000. आगे मटेरियल्स परचेज 3,20,000 ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे
फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल 16,000 मेरी तरफ देखो एक बार, आप लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो सर? ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो याद रखना परचेजेस विल ऑल्सो इंक्लूड एनी एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग, जिसको तुम लोग बचपन से कैरेज इनवर्ड वगैरह वो बोलते थे. मैंने रॉ मटेरियल किसी को किसी से खरीदा, वो बंदा बोलता है आई विल डिलीवर इट टू यू बट आई विल चार्ज दिस मच एक्स्ट्रा, तो बॉस उसकी वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है ना यार. ओके, तो ऑटोमेटिकली वो जो तुम्हारा फ्रेट है दैट विल बी एडेड इन दिस केस टू योर परचेजेस ओनली. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरा वो देख लेना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है परचेज रिटर्न्स. तो याद रखना तुम्हारा जो परचेज है, स्क्रीन पे जरा देख लो, ये जो परचेजेस होगा दैट विल बी नेट ऑफ थ्री फिगर्स. विच थ्री फिगर्स बोलो? मटेरियल्स परचेज प्लस फ्रेट इनकर्ड लेस द रिटर्न्स. ठीक है, आगे डायरेक्ट लेबर 1,60,000 उसका अलग से हेड होता है. आगे इनडायरेक्ट लेबर, अपना पहले लेक्चर के अंदर मैंने वो बोला था जो लोग झाड़ू वगैरह मारता है वो सब कुछ तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर कौन से हेड में आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. लिख के रखो आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे फैक्ट्री का सुपरविजन कोई बंदा करता है उसको 10,000 देता है वो किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे रिपेयर एंड अपकीप ऑफ फैक्ट्री तो वो किधर आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. हीट लाइट एंड पावर उधर कुछ मत लिखना बेटा, लाइट तो फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है, एडमिन ऑफिस के लोग अंधेरे में काम करता है नहीं ना, तो वहाँ का भी हो सकता है, S&D शोरूम्स वगैरह के अंदर भी हो ही सकता है, तो वी विल वेट फॉर दैट. आगे रेट्स एंड टैक्सेस भी किसी चीज का हो ही सकता है, विल वेट फॉर दैट. मिसेलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही आएगा. सेल्स कमीशन किधर आ जाएगा? S&D. सेल्स ट्रैवलिंग एंड प्रमोशन किधर आ जाएगा? S&D. डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरीज एंड एक्सपेंसेस किधर आ जाएगा? S&D. ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस किधर आ जाएगा? एडमिन. आगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, हम लोगों ने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, याद करो फाइनेंशियल एक्सपेंस. आगे लिख देना वो कॉस्ट शीट के अंदर आता ही नहीं है. आगे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज तो आपके पास तीन क्लोजिंग स्टॉक्स हैं. आगे अक्रूड एक्सपेंसेस बोले तो आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट पिछले पेज पे डायरेक्ट लेबर पे ऐड कर देना. आगे इनडायरेक्ट लेबर का अमाउंट इनडायरेक्ट लेबर के अंदर ऐड कर देना. और इंटरेस्ट ऑन बोरोड तो खुद ही नहीं आता तो उसका आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट कैसे आएगा? तो वो आता ही नहीं. आगे डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस एक्सपेंसेस, एक काम जरा करो जिधर ऑफिस एक्सपेंसेस वाला एसेट था शुरू में उसके आगे लिख देना इनटू जो अमाउंट था 17,400 उसके आगे लिख देना इनटू 5% और वहां पे अमाउंट निकाल लो 17,400 इनटू 5% तो 870 आ जाएगा. और 870 के आगे लिख लेना ये वाला एक्सपेंस अभी किधर आएगा? एडमिन के अंदर, क्योंकि ये ऑफिस के अंदर अप्लायंसेस थे तो आगे लिख लेना EDM, वो एडमिन के अंदर आ जाएगा. 17,400 के ऊपर डेप्रिसिएशन एडमिन में आ जाएगा. आगे सेम वे प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी वही काम करो, 465 into 10%, 46050. मेरे को बोलो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी किधर आएगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा. आगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पहले पेज पे दिया हुआ है कितने का? 2,00,000 × 4% जरा करो कितना हो जाएगा? 8,000. लेकिन सुनो अभी बिल्डिंग तो किसी का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है. उन लोगों ने आगे कुछ बोला हुआ है, पढ़ो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट, हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ 8:1:1. तो एक काम करो जरा हीट लाइट एंड पावर करके देखो, एक कॉस्ट था जो हम लोगों ने बाइफरकेट नहीं किया था, वो आपको फैक्ट्री एडमिन और S&D के अंदर किस रेशो के अंदर बांटते हैं? 8:1:1. ठीक है, तो वहाँ पे बस लिख लेना 8:1:1. तो ऑब्वियसली जो 8/10 वाला हिस्सा है किधर चला जाएगा? फैक्ट्री 1/10 और 1/10 वाला हिस्सा एडमिन और S&D. ठीक है, आगे 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 रेट्स एंड टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस. तो देखो वहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस होगा, वहाँ पे लिख सकते हो 2:1:0. रेट्स एंड टैक्सेस था 6,300 रुपये का, तो 2/3 जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स, 1/3 जो है एडमिन, S&D को कुछ नहीं, इसलिए 2:1:0. ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग इन द रेशो ऑफ 8:1:1. आप लोगों ने डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री 8,000 रुपये का कंप्यूट किया था बराबर, उसके आगे लिख लेना 8:1:1, तो वो तीनों जगह पे जाएगा.
उस रेशो के अंदर बांट देना उसको. बस उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंडेंस्ड कॉस्ट शीट. इट विल नॉट बी कंडेंस्ड, इट विल बी अ वेरी बिग कॉस्ट शीट ओके ऑफ गो गेटर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है चलो, दैट क्वेश्चन नाउ यू विल बी एबल टू डू, यू शुड बी एबल टू डू द होमवर्क, यू विल हैव 3 days फॉर इट ओके.